एक वीडियो मैंने वसीम रिजवी का देखा कि जिसमें उसने मौलाना कल्ब जवाद साहब पे बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उस पर यह कहा है कि मौलाना कल्ब जवाद साहब ईरान के इशारे पर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह इल्जाम जो उसने लगाया है ये देश के साथ गद्दारी है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ना कि कोई दूसरा मुल्क। इस प्रकार से पाकिस्तान को क्लीन चिट देना इस आदमी के जरिए यह दर्शाता है कि यह आदमी पाकिस्तान के लिए कितनी सख्ती से काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यह इल्जाम मैंने पहले भी इसके ऊपर लगाया था कि यह दाऊद इब्राहिम का बहुत खास आदमी रहा है, जो दाऊद इब्राहिम का एक बहुत ही खास आदमी था असलम खान, ये उसके साथ रहा है। उसके बाद मैंने कुछ तस्वीरें जारी की थी जिसमें ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो है वो श्रीलंका में घूम फिर रहा था। तो मैंने ये बता दिया था लोगों को कि साहब ये पाकिस्तान से इसका टच है, और इमरान खान क्योंकि खुद खिलाड़ी रहे हैं और उनकी पूरी टीम जो है वो ISI के लिए काम करती है, और ये ISI के लोगों से मिला श्रीलंका में जाकर, जिसकी जानकारी भारत सरकार को अभी तक नहीं थी और मैंने दे दी जानकारी। अब जो CBI जांच हो रही है उसमें साथ ही साथ जहां इसके घोटालों की जांच हो रही है, इसके पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इसने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है यह हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि इसमें हमारी सेना के ऊपर उंगली उठी है, इससे हमारी एजेंसियों के ऊपर उंगली उठी है। साथ ही साथ ये कल्ब जवाद साहब को कह रहा है कि ईरान के एजेंट है, और ये इसको नहीं मालूम कि कल्ब जवाद साहब प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर सबसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये भी हमारी सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि साहब जिस देश के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस आदमी से मिल रहे हो वो किसी स्पाई का काम कर रहा हो। तो इस प्रकार से ऐसे आरोप लगाना जो कि बौखलाहट इसकी साफ दिखा रहा है कि अब इसके जेल जाने के दिन आ गए हैं। और इसने एक बात कही कि मैंने कल्ब जवाद साहब पे कार्रवाई की इस वजह से। कल्ब जवाद साहब पे किस चीज में कार्रवाई की? क्योंकि जिन जगहों के मुतवल्ली बने आज तक कल्ब जवाद साहब को ये वहां से नहीं हटा पाया, और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाया, ना ही उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हो पाया, जबकि आजम खान ने हर तरह की कोशिश की मगर फिर भी कल्ब जवाद साहब के ऊपर किसी प्रकार, यहां तक कि ED की जांच कराई गई जो है वो पिछली सरकार के जरिए, और उसमें भी साहब को सिफर निकला। तो कहने का ये मकसद है कि ये आदमी जिस तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, इसमें ये देखना है कि जो हिंदूवादी संगठन अगर इसके साथ इसके बेवकूफ बनाने वाली संपत्ति में इसके साथ हैं, तो वो होशियार हो जाएं और समझ जाएं कि ये आदमी पाकिस्तान का कितना बड़ा एजेंट है और इमरान खान के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है।